आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो X17 Pro 5G की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में और देखेंगे वीवो के और भी फ़ोन। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले टाइप की बात कर लेते हैं। कलर सुपर एमोलेड हमें डिस्प्ले टाइप देखने के लिए मिलता है। 1 बिलियन से ज़्यादा कलर देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज़ की। डिस्प्ले साइज़ की बात करते तो 6.5 इंचेस की हमें स्क्रीन साइज़ देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। 180x2400 पिक्सल हमें रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्ट रेशो। एक्सेप्ट रेशो की बात करें तो 20.9 हमें एक्सेप्ट रेशो देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं PPI की। 398 PPI हमें डिस्प्ले की देखने के लिए मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में हमें फ़ोन देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं रैम एंड स्टोरेज की। रैम की बात करें तो 8GB के साथ हमें फ़ोन देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। 256 GB हमें स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 3.2 देखने के लिए मिलता है। कार स्लोड इसमें हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। GPRS, HGS, 3GS, 4GS, 5GS, वोल्टेज की बात करें तो डुअल वोल्टेज के साथ में हमें फ़ोन देखने के लिए मिलता है। वाईफाई यस, ब्लूटूथ 5.2 देखने के लिए मिलेगा। USB की बात करें तो USB टाइप सी देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। GPRS, फिंगरप्रिंट की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। फेस लॉक यस, 3.5mm जैक USB टाइप सी देखने के लिए मिलेगा। NFS यस। अब हम बात कर लेते हैं कैमरे की। रियर कैमरा हमारा 50MP का मेन कैमरा होगा प्लस 13MP प्लस 8MP। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी की। फुल HD हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सेल्फी की। सेल्फी हमारी 32MP की होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की और OS की और चिपसेट की। अब हम बात कर लेते हैं OS हमारा एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने के लिए मिलेगा। CPU की बात करें तो ऑप्टा कोर। अब हम बात कर लेते हैं GPU एड्रेनो 660 देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया में ईमेल यस, म्यूजिक यस, वीडियो यस, FM रेडियो यस, डॉक्यूमेंट रीडर यस। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी हमारी 4500 mAh की होगी प्लस 67W फास्ट चार्जर। अब हम बात करने वाले हैं वीवो के नेक्स्ट फ़ोन की। चलिए देख लेते हैं वीवो का नेक्स्ट फ़ोन। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अब हम बात करने वाले हैं वीवो V16 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले में हमें कलर एमोलेड देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करें डिस्प्ले साइज़ की तो 6.56 इंचज़ की हमें स्क्रीन साइज़ देखने के लिए मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करते हो 180x2376 पिक्सल हमें रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करते तो 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। PPI की बात करें तो 393 PPI में देखने के लिए मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 90.1% हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने के लिए मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोडक्शन के साथ में हमें फ़ोन देखने के लिए HDR10 का सपोर्ट है साथ ही में। अब हम बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की। रैम की बात करें तो 12GB की रैम देखने के लिए मिलेगी। स्टोरेज की बात करें तो 256GB रैम स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 3.1 देखने के लिए मिलेगा। कार स्लॉट इसमें हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी की। GPRS, HGS, 3GS, 4GS, ये फ़ोन 5G होने वाला है। 5GS, वोल्टेज यस, वाईफाई यस, ब्लूटूथ 5.1 देखने के लिए मिलेगा। USB की बात करें तो USB C देखने के लिए टाइप 2.0। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। GPRS, फिंगरप्रिंट की बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। फेस लॉक यस। अब हम बात कर लेते हैं 3.5mm जैक नहीं देखने के लिए मिलेगा। NFC यस। अब हम बात करने वाले हैं रियर कैमरा। रियर कैमरा हमारा 48MP का होगा प्लस 13MP प्लस 13MP। फीचर्स की बात करें तो पैनोरामा। अब हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी हम 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फ्रंट कैमरा हमारा 32MP का। वीडियो की बात करें तो फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में हमें OS एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 देखने के लिए मिलेगा। CPU ऑप्टा कोर देखने के लिए मिलेगा। GPU एड्रेनो 650 देखने के लिए मिलेगा। ब्राउज़र यस। अब हम बात करते हैं मल्टीमीडिया। ईमेल यस, म्यूजिक यस, वीडियो यस, FM रेडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट रीडर यस। अब हम बात करने वाले हैं बैटरी हमारी 4200 mAh की होगी प्लस 33W फास्ट चार्जर। अब हम बात करने वाले हैं वीवो का नेक्स्ट फ़ोन की। वीवो का नेक्स्ट फ़ोन है वीवो वी
21। अब हम बात करने वाले हैं Vivo V21 की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। 1597 की हमें वृद्ध हाइट देखने के लिए मिलती है। विड्थ की बात करें तो 73.9 की हमें वृद्ध देखने के लिए मिलती है। थिकनेस हमें 7.3 mm की देखने को मिलती है। वेट की बात करें तो 176 ग्राम हमें वेट देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो कलर ओलेड देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीन साइज़ की। 6.44 इंचेस की हमें स्क्रीन देखने को मिलती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 180x2400 पिक्सल हमें रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्ट रेशो। 20.9 की हमें एक्सेप्ट रेशो देखने के लिए मिलता है। पीपीआई की बात करें तो 409 की हमें पीपीआई देखने के लिए मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 84.8% हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास देखने के लिए मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं रैम एंड स्टोरेज की। रैम हमें 8 GB देखने के लिए मिलती है। स्टोरेज 128 GB देखने के लिए मिलती है। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 देखने के लिए मिलता है। कार्ड स्लॉट इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करने वाले कनेक्टिविटी की। GPRS यस, HGS, 3G यस, 4G यस, 5G यस, वोल्टेज यस, वाईफाई यस, ब्लूटूथ 5.1 देखने के लिए मिलेगा। USB टाइप सी 2.0 देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फीचर की। GPRS यस, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले, फेस लॉक यस, सेंसर 3.5 mm जैक इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करने वाले कैमरा। कैमरा हमारा 64 MP का मेन होगा, प्लस 8 MP प्लस 2 MP। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा हमारा 44 MP का होगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करें तो एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता है। चिपसेट की बात करें तो डायमेंसिटी 800U देखने के लिए मिलेगा। CPU ओक्टा कोर, GPU की बात करें तो माली G57 देखने के लिए मिलेगा। ब्राउजर यस, मल्टीमीडिया की बात कर लेते हैं। ईमेल यस, म्यूजिक यस, वीडियो यस, FM रेडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट रीडर यस। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी। बैटरी हमारी 4000 mAh की होगी, प्लस 33 W फास्ट चार्जर। अब हम बात करने वाले हैं Vivo V21 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं Vivo V21 Pro की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशन की। हाइट की बात करें तो 158.82 mm हमें वृद्ध देखने के लिए मिलती है। विड्थ की बात करें तो 74.2 mm हमें वृद्ध देखने के लिए मिलती है। थिकनेस की बात करें तो 7.4 mm की हमें थिकनेस देखने के लिए मिलती है। विड्थ की बात कर लेते हैं 170 ग्राम हमें वृद्ध देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो डिस्प्ले कलर एमोलेड देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.44 इंचेस हमें स्क्रीन साइज देखने के लिए मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 180x2400 पिक्सल हमें रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। एक्सेप्ट रेशो की बात करें तो 20.9 की हमें एक्सेप्ट रेशो देखने के लिए मिलता है। पीपीआई की बात करें तो 409 की हमें पीपीआई देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 85% हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की। 8 GB रैम देखने के लिए मिलती है। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। कार स्लॉट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। GPRS यस, HGS, 3G यस, 4G यस, 5G यस, वोल्टेज डुअल देखने के लिए मिलती है। वाईफाई यस, ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिलता है। USB की बात करें तो USB टाइप सी 2.0 देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स में हमें GPRS यस, फिंगरप्रिंट यस, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले, फेस लॉक यस। अब हम बात कर लेते हैं 3.5 mm जैक। 3.5 mm जैक इसमें नहीं देखने के लिए मिलता। अब हम बात करने वाले रियर कैमरे की। रियर कैमरा हमारा 64 MP का होगा, प्लस 13 MP, प्लस 8 MP, प्लस 5 MP। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी की बात करें तो 44 MP प्लस 8 MP की डुअल सेल्फी देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करें वीडियो क्वालिटी की तो 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में हमें OS एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता है। चिपसेट की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G देखने के लिए मिलता है। CPU ओप्टा कोर। अब हम बात करते हैं GPU की एड्रेनो 620 देखने के लिए मिलता है। ब्राउजर यस, मल्टीमीडिया की बात करें तो ईमेल यस, एम म्यूजिक यस, वीडियो यस, FM रेडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट रीडर यस। बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की हमें बैटरी देखने के लिए मिलती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 33 W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलिए अगली अब हम बात करेंगे अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।